अब सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ चिल्लाकर बहुत सारे चील कौवों को बुला लिया, लेकिन वो बेचारे जेनी के भयंकर रूप को देखकर उल्टे पर वापस लौट गए। हवा में उड़ने वाले छात्रों ने उड़कर जेनी को काबू करने की कोशिश की, लेकिन जेनी ने अपनी काले जादू से उन्हें उड़ने से पहले ही रोक दिया। जो छात्र जानवर का रूप बदलकर जेनी को हरा सकते थे, उन्हें जेनी ने पहले ही गाय बकरियों में बदलकर बेकार कर दिया। आखिरी में स्कूल की टीचर एसोसिएशन ने जेनी को पूरी ताकत से अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन इससे जेनी के ऊपर घंटा फर्क नहीं पड़ा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तभी यूडीएम क्लास के स्टूडेंट्स वहां पहुंच गए। सैम ने मॉन्स्टर के ऊपर खूब सारा सफेद धुआं फेंकना शुरू कर दिया। सफेद धुएं में मॉन्स्टर बुरी तरह घिर गया और अपनी दिशा से भटक गया। तभी लिली उड़ती हुई बिल्ली बनकर आई और उसने उसके चारों ओर घूम घूमकर मॉन्स्टर को घनचक्कर बना दिया। जेनी इसमें उलझकर बेहोश होकर गिर गई। लिली ने जेनी को मॉन्स्टर के वश से बाहर आकर होश में आने के लिए प्रेरित किया और आखिरकार उन्होंने शैडो मैजिक मॉन्स्टर को हरा दिया। इस दुनिया में हर इंसान का अपना अस्तित्व है, हर इंसान की अपनी एक अलग पहचान है, और ये मूवी हमें बस यही बात समझाना चाहती है।